ग्रहण आज भारत में किस शहर में सबसे पहले दिखेगा चंद्र ग्रहण? जाने टाइमिंग और सूतक काल। कार्तिक पूर्णिमा यानी 8 नवंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ज्योतिषों के अनुसार यह ग्रहण देश के कई हिस्से में दिखाई देगा। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का पूजन पाठ अथवा धार्मिक कार्य वर्जित होता है। चंद्र ग्रहण के कारण कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक देश में विभिन्न हिस्से में अलग अलग समय पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में शाम 5 बजे से 6 बजे तक दिखेगा। भारत में ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 10 मिनट की है। सूतक काल सुबह 8 बजे शुरू होगा जो शाम 6 बजे समाप्त होगा। सूतक काल शुरू होने के बाद मंदिरों में दर्शन पर रोक लगेगी। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण मंगलवार को सबसे पहले पूरे उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। इसके बाद पश्चिम और सूर्यास्त के बाद संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और शेष प्रशांत में दिखाई देगा। यह ग्रहण खास इसलिए है क्योंकि इसके बाद अगले 3 साल तक ऐसी कोई खगोलीय घटना नजर नहीं आएगी। इसके अलावा यूरेनस एक चमकीले तारे के समान चंद्रमा के ऊपर केवल एक उंगली की चौड़ाई जितना दिखाई देगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 1 से 1.5 घंटे तक नजर आएगा। यह सुबह ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार 5:16 से लेकर 6:41 तक दिखाई देगा। इस बीच पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच से गुजरती है। ब्लड मून के नाम से प्रसिद्ध यह पृथ्वी पर सूर्यास्त और सूर्योदय के प्रकाश से एक लाल नारंगी रंग में दिखाई देगा। दक्षिण अमेरिका में मंगलवार को मौसम अनुकूल रहने पर चंद्र ग्रहण की एक झलक मिलेगी। हालांकि अफ्रीका, मध्य पूर्व और अधिकांश यूरोप को 2025 तक इंतजार करना होगा। यह इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। पहला मई में था और अगला 2025 तक नहीं होगा। बहरहाल इस बीच बहुत से आंशिक चंद्र ग्रहण नजर आएंगे। अब आपको बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगने जा रहा है। यह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ भी सूतक काल मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले मान्य होता है। भारत में चंद्र ग्रहण 4:24 पर दिखाई देगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में लगता है तो ऐसे में सूर्योदय के समय ही चंद्र ग्रहण मान्य हो जाता है। वहीं दुनिया भर में चंद्र ग्रहण का समय 2:29 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के समय गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को विशेष रूप से ख्याल रखना होगा।